आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है जिंक डेफिशिएंसी। क्या आपको पता है कि अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो तो आपको काफी जानलेवा बीमारी हो सकती है। आइए जानते हैं वो 7 लक्षण जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर पे जिंक की कमी है या नहीं। पर ये जिंक होता क्या है? जिंक एक एसेंशियल मिनरल होती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को और भी ताकतवर बनाती है। अब चलिए देखते हैं उन 7 लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है हेयर लॉस। ये काफी कॉमन सिम्टम है और अक्सर हम देखते हैं कि हमें हेयर फॉल काफी हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है या फिर आपके बाल बहुत पतले हो रहे हैं और डेंसिटी कम हो रही है, तो आप एक जिंक का चेकअप करवाएं। दूसरा लक्षण है एक्ने। जिंक काफी हद तक एक्ने से होने वाली स्वेलिंग को कम करती है। ये काफी सारे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि उनके ब्रेकआउट्स भी कम होते हैं अगर वो जिंक सप्लीमेंट्स लेते हैं तो। तीसरा लक्षण है डायरिया। जिंक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में। अगर आपके किसी बच्चे को डायरिया या लूज मोशन है तो आप उसे जिंक के घोल भी दे सकते हैं। चौथा लक्षण है भूख कम लगना या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जिंक हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो अगर हमारा गट हेल्दी नहीं होगा तो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर उसके वजह से हमें भूख भी कम लगती। पांचवा लक्षण है डिलेड बोन हीलिंग। जिंक काफी मददगार होता है कोलाजन प्रोडक्शन में, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है। अगर आपको कहीं पे कट हो जाते हैं या फिर जख्म हो जाते हैं तो जिंक की वजह से उसे हील होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। छठा लक्षण है पोर विजन, मतलब आपकी आंखों की रोशनी जाने लगेगी। जिंक हमारी नाइट विजन, मतलब रात में देखने के लिए रोशनी देता है। अगर आपको जिंक की कमी है तो आपको रात में देखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और कुछ दिनों के अंदर आपको दिन में भी देखने में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। सातवां और आखिरी लक्षण है स्मेल और टेस्ट का धीरे धीरे चले जाना। माना जाता है कि जिन पेशेंट्स को टेस्ट का इश्यू है उन्हें जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनका फूड इंटेक बढ़ सके, क्योंकि वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पर ट्रिगर कर। तो हमने देखा कि जिंक हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और काफी सारी बीमारियों से भी जुड़ी है। अगर आपको भी ऐसे कुछ साइंस नजर आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसकी रेमेडीज भी लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी करें।